दोस्तों, फल यानी कि फ्रूट्स हमारे सेहत के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक होता है। ये हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह वगैरह आपकी बॉडी को मिलता है, जिससे आपकी बॉडी को सुचारू रूप से संचालित करने में मददगार होता है। साथ ही साथ आपकी बॉडी का भी सही से ग्रोथ होता है। सो दोस्तों, आज का वीडियो बस इसी टॉपिक पे है। आज हम एक ऐसे फल के बारे में जानेंगे जिसके सहारे आपके बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स को मजबूती प्रदान होती है, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि किन व्यक्तियों को सर्दी के मौसम में ये फल खाना चाहिए और किन्हें नहीं खाना चाहिए, और कौन कौन से बीमारियों से हमें ये छुटकारा दिलाने में मदद करता है। सो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक के। चलिए बात करते हैं आज हम इस वीडियो में केले के बेनिफिट्स के बारे में। उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये कब और कैसे लेना है और कौन से व्यक्ति इसका सेवन कर पाएंगे और कौन से व्यक्ति इसका सेवन नहीं कर पाएंगे उनके बारे में। दोस्तों, केला एक ऐसा फल है जो शरीर को भरपूर एनर्जी देने का काम करता है। हालांकि अगर आपको कोई सांस की बीमारी हो या फिर खांसी या सर्दी जुकाम है तो ठंड के मौसम में रात में खाने से बचनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह बलगम या कफ के संपर्क में आने पर जलन पैदा करता है। वही अगर आपको साइनस की समस्या है तो आप भूलकर भी केले को ना खाएं, इससे आपको दूरी बना लेनी चाहिए। चलिए आगे जानते हैं कि साइनस क्या होता है। दोस्तों, एक्चुअली साइनस को मेडिकल भाषा में साइनोसाइटिस कहा जाता है। इस बीमारी में रोगी की नाक की हड्डी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जुकाम रहता है। ठंडी चीजों से परहेज किया जाए तो ये बीमारी कई बार खुद ही खत्म हो जाती है। लेकिन जिन्हें यह परेशानी लंबे समय तक रहती है, उन्हें नाक का ऑपरेशन करना भी पड़ जाता है और करवाते भी हैं लोग। जिन लोगों को ऐसी कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है, उन्हें इस मौसम में केला खाने से बिल्कुल परहेज नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं केला खाने के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। उससे पहले हम जानेंगे केले के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जानते हैं कि दोस्तों, केला में सभी जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन, फोलेट, नियासिन, राइबोफ्लेविन और विटामिन B6 पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व स्वास्थ्य और शरीर के फंक्शन को सही रखने में काम करता है। चलिए बात करते हैं आगे केला खाने के बेनिफिट्स के बारे में कि केले से आपको कौन कौन सी चीजों में बेनिफिट्स मिलता है और इसके क्या क्या फायदे हैं उनके बारे में। दोस्तों, सबसे पहला जो बेनिफिट्स है, ये हड्डियों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों के मौसम में हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें बढ़ जाती है। ऐसे में कैल्शियम से भरपूर केला खाएं, इससे कैल्शियम मिलेगा जिससे हड्डियों का घनत्व बना रहता है और उन्हें मजबूती भी प्रदान होती रहती है। सो अगर आपको हड्डियों में किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम्स रहती है, खास करके सर्दी के मौसम में, जैसे ज्वाइंट्स पेन हो गए हैं या फिर कोई पुरानी चोट जो सर्दी के मौसम में ठंड लगने से वो और बढ़ जाता है, तो अगर आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप अपने आहार में केला को शामिल कीजिए। इससे आपको अच्छा फील होगा, आपके दर्द भी नहीं होगी और आपकी हड्डियों को मजबूती भी मिलेगा और भरपूर मात्रा में उसे कैल्शियम की भी प्राप्ति होती रहेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वजन को कंट्रोल करने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, केला वजन को कंट्रोल करता है क्योंकि ये घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर से भरपूर होता है। घुलनशील फाइबर में पाचन को धीमा करने की प्रवृत्ति होती है, इससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ प्रतीत होता है, लिहाजा बार बार भूख नहीं लगती और आपका वजन कंट्रोल में रहता। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दिल के लिए भी बेहद लाभकारी होता है। दोस्तों, फाइबर वाले फूड हृदय रोग और कोरोनरी धमनियों की बीमारी से बचाते हैं। केले में मौजूद पोटेशियम दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। सो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है केला। आप अपने आहार में जरूर केला को सुबह सुबह खाएं, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपके शरीर को भी हिस्ट पुष्ट रखेगा। साथ ही साथ आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है जो आपके बॉडी के अंदर एक ऊर्जा का काम करता है, ताकत का काम करता है। आगे बात करते हैं, केला के सेवन से आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। दोस्तों, शाम के समय केला खाना एक अच्छी आदत है। पोटेशियम से भरपूर केला दिन भर की थकान के बाद मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है। देर शाम एक केला या दो केले खाने से थकान उतरने लगती है और आपकी नींद भी बहुत अच्छी आने लगती है। सो अगर आपको नींद ना आने की भी समस्या बनी रहती है और आपने जो दिन भर काम किया जिसके वजह से आपको हैरेसमेंट होती है, थकान होता है, तो आप शाम के समय एक या दो केला खाएं, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको नींद भी आएगी और आपकी थकान भी दूर होगी। सो दोस्तों, अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं जो मैंने अभी अभी वीडियो में डिस्कस किया, तो आप बेझिझक अपने आहार में केले को शामिल कीजिए, उससे आपकी बॉडी को बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपकी बॉडी में नई ब्लड संचार बढ़ेगा, आपको
इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आप हिस्ट पुष्ट हो जाओगे, आप स्ट्रांग हो जाओगे। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिट रहिए। और हमारी वीडियो कैसी लगे आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।